हेलो स्टूडेंट्स, मैं असल विकास कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स। इट इज़ द पार्ट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द सब्जेक्ट ऑफ ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट फॉर डिप्लोमा सेकेंड ईयर, डी फार्मेसी सेकेंड ईयर। तो लेट्स टुडे डिस्कस द डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स इन हॉस्पिटल्स एज वेल एज फ्रॉम द केमिस्ट इन ए पर्सनल रिटेलर्स और इन ए हॉस्पिटल रिटेलर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल ड्रग वह ड्रग होता है जिसको एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर पे डिस्पेंस किया जाता है, या फिर उसको सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेस्ड में ही उसको डिस्पेंस किया जा सकता है, और उसका एक फोटोकॉपी केमिस्ट अपने पास रखता है, है ना। तो उसको ही कंट्रोल ड्रग्स कहते हैं, डिस्पेंसिंग ऑफ द कंट्रोल ड्रग्स। हॉस्पिटल कंट्रोल प्रोसीजर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्रोल द सबस्टेंस इन द हॉस्पिटल्स। तो जो हॉस्पिटल में जो जितने भी कंट्रोल ड्रग्स होते हैं उसको जो वह डिस्ट्रीब्यूशन जो करेगा, हॉस्पिटल का जो फार्मासिस्ट करेगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सबस्टेंस को कंट्रोल्स मैनर में करें, एंड ऑर्डरिंग द वार्ड स्टॉक फॉर द कंट्रोल सबस्टेंस। और जो ऑर्डरिंग जो होता है सबस्टेंस का, ऑर्डर वार्ड वाइज होता है, उसको भी वह एक कंट्रोल मैनर्स में ही करे। उसके बाद हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्रोल द सबस्टेंस, जो जो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कंट्रोल सबस्टेंस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर सेफ गार्डिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द कंट्रोल सबस्टेंस विच इन द हॉस्पिटल। मतलब जो हॉस्पिटल में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता है उसको सबसे पहले नॉलेज में होना चाहिए कि वो जो कंट्रोल सबस्टेंस है, कंट्रोल्स जो सबस्टेंस है उसके बारे में को नॉलेज होना चाहिए, और उसका यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वह एक पर्टिकुलर सर्टेंस मैनर्स पे पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ वह उसको केमिस्ट को यह ऑर्डर दे कि वह कंट्रोल मैनर्स में ही उसको डिस्पेंस करे, और हो सके तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का फोटोकॉपी वह अपने पास रखे, जिससे कि अगर ड्रग इंस्पेक्टर आता है इंक्वायरी के लिए तो वह उसको उसका फोटोकॉपी वह जमा कर सके। उसके बाद ऑर्डरिंग वार्ड स्टॉक ऑफ कंट्रोल सबस्टेंस फ्रॉम फार्मेसी। मतलब जो वार्ड होता है, जितने भी हॉस्पिटल्स में वार्ड होते हैं, पर्सनल वार्ड्स, जनरल वार्ड्स, ओटी वार्ड्स, तो उसमें क्या है कंट्रोल सबस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, हाँ। तो जो कंट्रोल सबस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है उसको वह तो वह कंट्रोल मैनर्स पे ही उसको डिस्पेंस करे। तो जो वो वार्ड होता है वह कैसे ऑर्डर करता है, तो जो कंट्रोल सबस्टेंस होते हैं जो कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में वार्ड में रिक्वायरमेंट होता है, उसको वार्ड में वार्ड के द्वारा फार्मेसी से कैसे ऑर्डर किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो ड्रग्स रहता है या फिर जितने भी डोजेस फॉर्म रहता है, जैसे डोजेस फॉर्म हो गया, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, या फिर इंजेक्टेबल हो गए, है ना,
और क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, गैसियस हैं, तो ये सब जितने भी सब्सटेंस हैं जो कि कंट्रोल्स मेनस में डिस्पेंसिंग कर सकते हैं, उसका एक लिस्ट बनाएंगे। कहाँ से? वार्ड से लिस्ट बनाएंगे, फिर उसको एक बार फाइनल चेकअप करेंगे। चेक करने के बाद इसको अपने जो सुपरिटेंडेंट जो डॉक्टर हैं उसके द्वारा उसको वेरीफाई कराएंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद उसका जो ऑर्डर है वह पर्टिकुलरली फार्मेसी डिपार्टमेंट में जाएगा, फार्मेसी डिपार्टमेंट में रिसीव होगा, जिससे वह जो फार्मेसी रिसीव करके जो कंट्रोल सब्सटेंस है उसका लिस्ट चेक करेगा और वह अपने कंप्यूटर में वह उसके ऑर्डर को देखेगा और उसके लिए वह ड्रग को सप्लाई करेगा। ड्रग को सप्लाई करने के बाद वह उसका भी एक रिसिप्ट निकालेगा। रिसिप्ट निकालने के बाद उसको वह अपने रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड कॉपी में वह जमा करके रखेगा। और जो जो ड्रग है जो कि वार्ड के लिए लिस्ट बन चुका है या फिर जो अप्रूवल हो चुका है उसको वह वहाँ पे वार्ड में जाके सप्लाई करेगा। ए रिक्विजिशन वार्ड स्टॉक कंट्रोल सब्सटेंस इज कंप्लीटेड बाय द इंसर्शन ए चेक मार्क अपोजिट द नेम स्ट्रेंथ फॉर्म ऑफ कंट्रोल सब्सटेंस डिजायर्स, और उसका स्ट्रेंथ और नेम ये सब चीज़ के बारे में विशेष रूप से वह मेंशन करके देखेगा। द रिक्विजिशन फ्रॉम द वार्ड स्टॉक कंट्रोल सब्सटेंस, तो देखिए कि रिक्विजिशन जो फॉर्म रहता है वो किस प्रकार से रहते हैं। विजिनल हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल का नाम है जिसमें फार्मेसीज है। वार्ड नंबर कौन सा है जिसमें मेडिसिन जाना है, उसका कोड क्या है, डेट डालेंगे। नंबर ऑफ द टेबलेट्स, जैसे नंबर ऑफ द टेबलेट्स कैप्सूल्स हैं। चेक आइटम्स नीडेड, कितने ज़रूरत हैं, उसके बाद उसके प्राइस डालेंगे। जैसे 20 टेबलेट्स डाले, टेबलेट का जो आइटम्स नीडेड कौन कौन से, कोडिन सल्फेट टेबलेट 15 माइक्रोग्राम, उसका प्राइस क्या है समझ जाइए 1000 रुपये है। तो इस तरीके से रिक्विजिशन स्लिप होता है वार्ड के लिए कंट्रोल सब्सटेंस का, है ना। तो इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद द डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रोल ड्रग्स, मतलब डॉक्टर जो है वो कैसे ऑर्डर करता है जो कंट्रोल सब्सटेंस होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी अपियर ऑन द डॉक्टर्स कंट्रोल ड्रग ऑर्डर शीट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, पेशेंट फुल नेम, पेशेंट्स हॉस्पिटल नंबर, रिक्वायरमेंट्स कितने हैं, ये सब चीज़ डॉक्टर के द्वारा दिया जाएगा और यह प्रिस्क्रिप्शन पे ही उसका लिखा जाएगा। अब देखते हैं प्रिस्क्रिप्शंस। इन द डिस्पेंसिंग ऑफ द कंट्रोल सब्सटेंस द फ्लोइंग रिक्वायरमेंट शुड बी विद द प्रिस्क्रिप्शन, अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट के लिए कुछ कंट्रोल सब्सटेंस अगर वह प्रिस्क्राइब करता है तो उसमें फ्लोइंग्स स्टेप्स होते हैं या फिर फ्लोइंग्स रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो कि फिल किया जाता है डॉक्टर के द्वारा या फिर उसके असिस्टेंट के द्वारा। एक्सपेक्ट व्हेन डिस्पेंस्ड, द ड्रग मे बी डिस्पेंस ऑन द ओरल प्रिस्क्रिप्शन इन इमरजेंसी सिचुएशंस। नो प्रिस्क्रिप्शन फॉर द कंट्रोल सब्सटेंस इन द शेड्यूल टू मे बी रिफिल्ड, द कंट्रोल सब्सटेंस इन द शेड्यूल थ्री और शेड्यूल फोर मे नॉट बी डिस्पेंस ए रिटन और द ओरल प्रिस्क्रिप्शन इन द कन्फर्मिलिटी। जो कंट्रोल सब्सटेंस होते हैं वो शेड्यूल तीन और शेड्यूल चार के वो डिस्पेंस नहीं होते इन रिटन और द ओरल कन्फर्मेटली, मतलब वह डिस्पेंस नहीं हो सकता जब तक कि वह रिटन में ना हो
या फिर उधर कंफर्मेशन ना हो डॉक्टर का, और जो नंबर नंबर नो प्रिस्क्रिप्शन फॉर द कंट्रोल सब्सटेंस शेड्यूल टू में बी रिफिल्ड, और जो दो नंबर का जो शेड्यूल का जो सब्सटेंस का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी सेम जो है फॉलो करता है। इंफॉर्मेशन ऑन द डेली कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सीट्स, मतलब जो कंट्रोल ड्रग्स होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन सीट किस तरीके से होता है उसके बारे में हम देखते हैं। द फुल इंफॉर्मेशन रिक्वायर ऑन द डेली कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सीट अस द फुल, जो कि है सबसे पहले डेट लिखा रहता है, अमाउंट ऑफ गिवन कितना अमाउंट में दिया गया है, उसके बाद पेशेंट्स फुल नेम, पेशेंट हॉस्पिटल्स नंबर, ये सब डिटेल में रखता है। डेली कंट्रोल ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से हम उसको फिल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, जैसे डेली कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर में लिखा रहेगा, नीचे हॉस्पिटल का नाम लिखा रहेगा जैसे यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे डेट्स, वार्ड नंबर, फ्लोर कौन सा है ना, उसके बाद डेली कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म्स, पेशेंट नेम, पेशेंट का नाम, स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग, कौन सा ड्रग प्रिस्क्रिप्शन किया गया है, नंबर ऑफ द टेबलेट्स, कितना टेबलेट दिया गया है, फिर स्ट्रेंथ क्या है उसका, जैसे 5000 माइक्रो मिलीग्राम, 100, 500, 1000 इन ऑर्डर बाय, डॉक्टर का नाम रहेगा, उसके बाद एडमिटेड बाय नर्स, कौन सा जो नर्स उसको फॉलोअप कर रही है, ट्रीटमेंट कर रही है, उसके बारे में पूरा डिटेल इसमें लिखा रहेगा। देन स्टूडेंट्स, मोस्ट कॉमनली अबोस्ड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, दोज आर द फ्लोइंग ड्रग्स तो विच इज़ द मोस्ट कॉमनली अबोस्ड ड्रग्स, जैसे पेन रिलीवर्स, ओपाइड नार्कोटिक्स, मतलब ऐसे जो ड्रग्स हैं जो कि पेन के रिलीफ के लिए काम आते हैं, लेकिन इसको कभी भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता, जैसे ओपाइड्स हैं, नार्कोटिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीकोडोन एग्जांपल है, ऑक्सीकोटिन एंड परकोसेट, हाइड्रोकोडोन्स, कोडिन एंड मॉर्फिन्स, दोज आर द ड्रग आर द वेरी कॉमनली अब्यूज्ड प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स, सेडेटिव्स एंड द ट्रैंक्विलाइजर्स, हैप्नोटिक्स जस्ट लाइक बारबिट्यूरेट्स, एग्जांपल है मेबारल, नेबूटल एंड द बेंजोडाइजेपिन्स, एग्जांपल है विलियम जेनेक्स, दोज आर द एग्जांपल्स फॉर द कॉमनली मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स। एंड फाइनली हम देखते हैं कंट्रोल ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स डिस्पेंस इन इंडिया, ओपॉइड जो है वो 2008 में .3% जो है वो 2008 में प्रिस्क्राइब किया गया है, 2009 में 15.2 प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसमें 2008 में 5,84,09,406 है, और जिसमें 2009 में 6,37,06,664 से 2010 में 5,59,01,679 है, मतलब ओवरऑल अगर 2010 में देखा गया है तो इसका जो परसेंटेज है वह कम हुआ है ऑपर्ड्स का। और जो CNS डिप्रेजेंट्स हैं वो है जो 3,55,807, जो कि ओवरऑल मार्केट का 3.6% है, और जो 2009 में 3,90,02,414 इट इज़ द परसेंटेज ऑफ 3.7%, 2010 में जो है वो 3,51,400,361 दिस इज़ अ परसेंटेज ऑफ 3.1%
इट्स मीन्स दैट जो ओपाइड्स हैं उसका जो परसेंटेज है वह कम होते जा रहा है, बट लेकिन जो सीएनएचडी प्रेजेंट है उसका जो है वह परसेंटेज जो है वह बढ़ते जा रहा है। इसी प्रकार जो स्टिमुलेंट्स हैं वह है 1 करोड़ 14 लाख 9,939 है 2008 में, 2009 में है 1 करोड़ 35 लाख 3,939 इस 2009 एंड 1 करोड़ 13 लाख 900,265 एक्सपोरेटली इट इज़ द डिक्रीजिंग स्टिमुलेशन ऑफ द कंट्रोल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग डिस्पेंसिंग इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।